हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नेहा वी किचन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन मसाला की रेसिपी। वो बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी बनती है, तो ये झटपट से बनने वाली है। आपको मैं आज बना के बताऊँगी। आज मैं कुकर में बनाऊँगी, तो मैं ये हाफ के जी चिकन ले ली हूँ। साथ में ली हूँ मैं 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और नमक डाली हूँ। इसमें मैं हाफ लेमन का जूस इसमें डाल दूँगी। उसके बाद इसे मिक्स करके मैं 15 मिनट के लिए रख दूँगी साइड कर। और जब तक कि हमारा चिकन रेस्ट कर रहा है, तब मैं इसके लिए एक मसाला बनाऊँगी। तो चलिए बनाते हैं, कुकर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं एक कुकर ली हूँ, उसमें 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डाल दी हूँ। उसके बाद मैं इसे थोड़ा गर्म कर लूँगी और इसमें डालूँगी खड़े मसाले। खड़े मसाले मैं डाल रही हूँ इसमें, जैसे 2 लाल मिर्च है सूखी वाली, 2 तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, जावित्री, बड़ी इलायची और जीरा। और इसे मैं डाल दूंगी मसाले और इसे अच्छे से थोड़ा सा इसे पहले भून लेंगे, फिर इसमें मैं प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज इसमें मैं 2 से 3 ली हूँ बड़ी बड़ी, जिसे मैं बारीक काट ली हूँ, और इसे मैं डाल के अच्छे से पहले भून लूंगी। फ्रेंड्स, ये हमारा जो रेसिपी है चिकन मसाला रेसिपी, वो झटपट बनने वाला है और तुरंत बन जाता है। ये बहुत टेस्टी लगता है। आप भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ऐसे बना के देखिए, बहुत अच्छा लगता है। साथ में मैं इसमें 1 से 2 टमाटर काट करके डाल दूंगी। अगर बड़ी टमाटर है तो 1 ही डालें और अगर छोटे हैं तो 2 डाल सकते हैं। इसे भून लेंगे अच्छे से, फिर इसमें मैं नमक डाल दे रही हूँ ताकि हमारा जो प्याज और टमाटर है वो अच्छे से पहले मिक्स हो जाए, अच्छे से भून जाए। तो इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 हरी मिर्च और कुछ लहसुन की कलियाँ, और 1 लहसुन का वो मैं पूरा डाल दी हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है, आप भी इसी तरह डाल के देखिए। और इस तरह जो लहसुन रहती है ना, खाने में बहुत मज़ा आता है, आप बना करके ज़रूर देखिएगा। फिर इसमें मैं लहसुन डालूंगी, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ। साथ में मैं इसमें इसे पहले थोड़ा भून लूँगी और भूनने के बाद इसमें मैं डालूँगी कुछ मसाले। मसाले जैसे कि इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी जीरा पाउडर 1 चम्मच। इन सबको मैं मिक्स कर लूंगी अच्छे से। ये हमारा चिकन मसाला पाउडर है जो मैं ऐड कर रही हूँ, टाटा संपन्न का। आप भी इसे यूज करिए, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। टाटा संपन्न का चिकन मसाला और मटर मसाला यूज करिए, खानों में बहुत ही अमेजिंग वाला रेसिपी बनता है, आप भी बना के देखिए। इसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन हमारा जो चिकन का पानी रहता है ना, उसे नहीं ऐड करेंगे, इसलिए मैं सिर्फ चिकन उठा के डाल रही हूँ, पानी इसका स्किप कर देंगे। जो हमारा चिकन से पानी छोड़ता है उसे हम नहीं डालेंगे। फिर इसे मैं भूनूंगी 2 से 3 मिनट के लिए, अच्छे से इसे पहले भून लूँगी अच्छी तरह से। ये देखिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है अभी से ही। और हमारा जो प्याज लहसुन जो मैं डाली हूँ ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है, आप देखिए। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा। इसमें मैं दही डाल रही हूँ, ये 2 चम्मच दही है, इसे मैं अच्छे से फेंट ली थी। और इस समय हम अपने गैस का फ्लेम को स्लो ही रखेंगे दही डालते समय। देखिए दही डालते ही इसमें पानी कितना छोड़ा है, तो इसी पानी से इसे भूनेंगे। फिर इसमें मैं 1 कप से भी कम पानी डालूंगी। ये जो हमारा टी कप होता है ना, उससे मैं पानी डाल रही हूँ, लेकिन मैं पानी बहुत ही कम डाली हूँ, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारा पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे और बिना कम पानी में ही ये बहुत ही अच्छा बनता है, आप देखिए ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इसमें मैं इसका 1 प्रेशर दे दूँगी, ये 1 कुकर का ढक्कन लगा दी हूँ मैं, और 1 सीटी तक ये देखिए हमारा सारा जो गैस था कुकर का वो निकल गया है। और देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है चिकन हमारा। इसमें मैं डाल दी हूँ 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और फिर मैं इसमें कस्तूरी मेथी ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 4 लीव्स, और फिर मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये हमारा चिकन मसाला रेसिपी बहुत ही टेस्टी दिख रहा है, आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मैं इसे 1 बाउल में सर्व करूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कितना जूसी बना है, आप देखिए। ये जो मेरी चिकन मसाला की रेसिपी है, बहुत ही अच्छी दिख रही है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे एक बार लाइक ज़रूर करिएगा।
और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और मैं किस रेसिपी के साथ आपके पास आऊँ और कौन सी नई रेसिपी लेकर के आऊँ आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मेरी जो चिकन है ये कितनी जूसी दिख रही है, मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छी बनी है और ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है, तो आप बना करके ज़रूर देखिएगा इस तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, बाय।